मध्याह्न की बैठक में मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, मध्य में रहना, अपनी सेंट्रल पॉइंट पर, अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आय में, अपनी देखने की क्षमता में, मिडल पॉइंट पर रहना अर्थात थर्ड आय में रहना, बाहर की दोनों आंखों से भीतर की आंख की ओर चलना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतरना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ किया नहीं जाता, केवल जागे जागे भीतर की गति को देखा जाता है। केवल सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, केवल जागे जागे रहना। अगर माइंड सामने बहुत बड़ी एग्रेसिव स्टेट लेकर के आए तो उसे जागे जागे देखते रहना। आदतवश बार बार हम विचारों में खो जाते हैं, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, मन के साथ ही रह जाते हैं। ये सब ड्यू टू हैबिट्स, इन तमाम आदतों को तोड़ते हुए पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपनी स्वाभाविक स्थिति में, दृष्टा अकर्ता होकर के, नॉन डूअर होकर के थोड़ी देर रहना। माइंड की एक्टिविटी को जागे जागे देखते रहना, भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार, मन माया का विस्तार तुम स्वयं अपनी आंख से देख लेना, स्वयं अनुभव लेना अपने भीतर का। कहां हो तुम, कहीं खड़े हो तुम भीतर, या केवल माइंड ही माइंड है, स्वयं जान लेना। जो भी तेरे समक्ष, तेरे भीतर, तेरे सामने हो रहा है, जो जो अंतस में हो रहा है, उसी को देखना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई सपोर्ट नहीं लेना, अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना कहीं देखने की। बाहर जगत में कोशिश करनी पड़ती है, कहीं देखने के लिए कदम उठाने पड़ता है, भीतर कुछ करना नहीं, कहीं देखना नहीं, केवल देखना। जो जो हो रहा है उसको देखते चले जाना, जो जो घटित होता है, उतरता है, उठता है, वो कैसा भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तुम सब को देखते चले जाना। निष्पक्ष होकर देखना, जो जो व्यर्थ है अपने आप विदा होता चला जाएगा, और जो जो सार्थक है वो ठहरता चला जाएगा। व्यर्थ की कचरे को ढोते फिरते रहना इंसानियत नहीं है, इंसानी धर्म नहीं है। जो जो हमने फीड किया है, बाहर से बोरो किया है, चित्रूपी कंप्यूटर में जो जो हमने फीड किया है, वही उठ उठ के सामने आता है। हमारी अपनी फीडिंग है, माइंड को फीड किया है खूब हमने, वही तो देखना है। उसी से तो पता चलता है कि हम क्या क्या करते रहते हैं, कितना व्यर्थ की बात, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की चर्चा में कितनी रुचि लेते हैं,
दूसरों में हमारी कितनी रुचि है, यह सब भीतर के इस देखने में पता चलता है। यही है भीतर का मिरर, भीतर का दर्पण, भीतर का आईना, जो हमें अपनी तस्वीर दिखाता है। और जिसने देखा वही अपनी इंप्रूवमेंट में उतर गया। मेडिटेशन इज द बेस्ट केमिकल फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। जाके जाके रहना। जो जो जागोगी, जानोगी अपने आप को, तो आनंद पूर्वक जियोगी। ये नोबिलिटी, ये नोबल सोल एक महात्र तेरा अस्तित्व है, एकमात्र उसकी ग्रेस है। बहुत नोबल हो जाना, नोबिलिटी पे पिरोना, ये संभव है। बहुत संभावना का रूप है, बहुत संभावना हर एक के द्वार पर उतरी है। बस शर्त है कि थोड़ा एक्सप्लोर करें, अपने को खोज ले आए, अपनी डिस्कवरी कर ले आए, अपने को डिस्कवर कर ले आए, अपनी होश, अपनी सुरती, अपनी अवेयरनेस को उपलब्ध करना। यही है तेरी परम संपदा, परम धन है, एकमात्र संपदा है, यही तेरा स्रोत है जीवन का। ओंकार आमीन आमीन। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी, अरे चलती फिरती डेड बॉडी, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर 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 है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है।
शराबी कोहन फिर पिलासा किया, 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 शराबी कोहन रूहानियत की, आध्यात्मिकता की, आत्मा के तल से हुई तैयार की गई, भीतर की भट्टी से उतरी हुई आत्मिक द्वार पर बनी हुई निर्मित खूब मस्तियों से उत्प्रोत। शराबी कोहन फिर पिलासा किया, शराबी कोहन फिर पिलासा किया, साकिया 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 साकिया, शराबी कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम कर दिश मिला साकिया, वही जाम घर दिश मिला साकिया, सिगर पर वही तीर फिर से चला, सिगर पर वही तीर फिर से चला, बहा दे तू चश्माए वहदत खुदा, बहा दे तू चश्माए वहदत खुदा, थी इश्क की आग जिस में दी है वो बंधा नहीं रात का, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है वो बंधा नहीं रात का धीर है, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है वो बंधा नहीं रात का धीर है। हरे राम बादशाह, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, 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 मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा साकिया 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 साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर जला, मेरी खाक जुगनू बना कर जला, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर जला, मेरी खाक जुगनू बना कर जला, आया हमें इश्क करना ना आया, ना इशारत किया इश्क करना ना आया, ना आया हमें इश्क करना ना आया, ना आया हमें इश्क करना ना आया, मरी उम्र भर फिर भी मरना ना आया, मरी उम्र भर फिर भी मरना ना आया, हमें इश्क करना ना आया, ना आया हमें इश्क करना ना आया, मरी उम्र भर फिर भी मरना ना आया, मरी उम्र भर फिर भी मरना ना आया, ना आया हमें इश्क करना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया, ना आया हमें इश्क करना ना आया, ना आया हमें इश्क करना ना आया, दौड़े उम्र
भर फिर भी जीना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया, मरे उम्र भर फिर भी मरना ना आया, मरे उम्र भर फिर भी मरना ना आया, आया हमें इश्क करना ना आया, मरी उम्र भर फिर भी मरना ना आया, मरी उम्र भर फिर भी मरना ना आया, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है वो बंदा नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग जिसमें भी है वो बंदा नहीं राख का ढेर है। वाइब्रेशन के आलम में बैठे बैठे तुम जो भी कर रहे हो, अंतस की यात्रा, जीवन यात्रा पर तुम जितना उतर रहे हो, वही है एकमात्र प्रैक्टिकल सारांश। सारे शास्त्रों का, सदग्रंथों का, सभी संतों महंतों भगवंतों की शिक्षाओं का एकमात्र सारांश है, उन सब की शिक्षाओं का एकमात्र इशारा है, उन सब की शिक्षाओं का एकमात्र इशारा है, भीतर जागो, भीतर जानो, अपने आप को, स्वयं को स्वयं से पहचानो, स्वयं को स्वयं से जानो, स्वयं अपनी सुपर साइंस में, अपने माइंड की लैब में उतर करके अपनी खोज, अपनी तलाश, अपना होना उपलब्ध कर लीजिएगा। सभी शास्त्रों, सदग्रंथों, सदगुरुओं, संतों महंतों, मुनियों महंतों, सभी प्रकार की महर्षियों ब्रह्म ऋषियों, सब शिखरों के जागे पुरुषों का एकमात्र इशारा है, जागो। वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान शरीफ, अंजील, सब यही एकमात्र पुकार उठा रहा है, और इंसान स्वयं जागो। महाभारत की धरती पर 3 घंटे लगातार गीता का संदेश एकमात्र इसी इशारे को लेकर के उठा, अर्जुन जागो, जानो तुम कौन हो, तुम क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो, जरा जानो तुम कौन हो, Who you are? हम गीता पाठ करते करते मर जाते हैं, मरते वक्त भी गीता पाठ सुनना चाहते हैं, किंतु जो गीता कहती है वो हम करता ही नहीं, गीता जिसकी ओर इशारा कर रही है वो तो हम करता ही नहीं, बाइबल जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो तो हम करता ही नहीं, हम बिल्कुल उसको पीट देते हैं जो वो कहते हैं, बस तोता रटंत होकर के रोज रोज पाठ रिपीट करते जा रहे, रेपिटिशन 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 तोते होते जा रहे हैं, और भयवश लालचवश जी रहा है, भय लगता है हाँ आज पाठ नहीं किया, आज पता नहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कोई प्रभु अपनी आंख जरा उल्टी ना कर ले, लालचवश, अर्थात जो जो हम मांग रहे हैं वो कहीं ना ही मिले क्या पता, भयवश लालचवश हम भजन करते हैं, भयवश लालचवश हम पाठ करते हैं, भयवश लालचवश हम पूजा करते हैं, सब भयवश लालचवश हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं उस अस्तित्व से, उस परमात्मा से, उस प्रभु से, उस खुदा से कुछ लेना देना नहीं, कोई प्रेम नहीं उसके साथ, गॉड लविंग इंसान होना ये हमारी संस्कृति, अवतारों गुरुओं की दी हुई महान शिक्षा भरी एकमात्र जीने की महान संपदा, ये संस्कृति कहती है गॉड लविंग होना, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये महान शिखर भारत से ही सारे जगत में गया है, गॉड लविंग बनना, गॉड फियरिंग नहीं, मॉरेलिटी अपने आप शैडो की तरह चली आती है, जब तुम गॉड लविंग बनते हो तब तुम सब परमात्मा के प्रति, उस विराट के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति इतना प्रेम भरपूर कर लेते हो कि कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई कमी, कोई कमजोरी नहीं रह जाती, तुम पूर्ण पूर्ण होते हो उस प्रेम में,
गॉड लविंग इंसान कभी भी परमात्मा के प्रति शिकवा शिकायत नहीं करेगा, वह कभी भी संसार के लिए रोए धोएगा नहीं, वह कभी भी किसी प्रकार के हालात में ना अहंकारी होगा, ना अभिमानी होगा, ना बेचारा बनेगा, वह सब हालात में मालिक होकर के जीता है। गॉड लविंग इंसान, गॉड फियरिंग नहीं। आज का पढ़ा लिखा इंसान कहता आई एम गॉड फियरिंग पर्सन, गॉड फियरिंग पर्सन बेचारा कमजोर कायर भीरू है भीतर का। गॉड लविंग इंसान बनना, हम यहां बैठ करके वही कर रहे हैं जो शास्त्र इशारा कर रहा है, उनके इशारों पे उतर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं के दिए हुए इशारे उन्हीं पे प्रैक्टिकली उतर रहे हैं। वो कहते हैं भीतर जागो, भीतर जानो, हम उसी प्रोसेस में उतर रहे हैं। वो जो कहते हैं वो हम कर रहे हैं, वो जो इशारा करते हैं हम उस पर उतर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल वर्शिप है, प्रैक्टिकल प्रेयर है, प्रैक्टिकल हवन यज है, ये प्रैक्टिकल सिमरन जाप है, ये प्रैक्टिकल है। बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच टुवर्ड्स यूनिवर्स। हम वो करें जो वो कहते हैं, केवल पाठ ही पाठ नहीं, वो जो कहते हैं वो भी करें, पाठ जो कह रहा है वो भी करें। पाठ कहता है स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अपनी थर्ड आई को एनलाइटेंड करो, जगमगा लो, अपने आप से, अपने विराट से, अपने अस्तित्व से, अपने स्रोत से जुड़े जुड़े जीना, अपने अंशी के साथ जुड़े जुड़े जीना, तो क्या गजब का नूर उतरेगा तेरे जीवन में। कदम हर कदम तेरा प्रैक्टिकल होगा जब तू भीतर बाहर की तरह भीतर जागेगा। ये प्रायोरिटी थोड़ी सी भीतर की ओर पिरोना। ध्यान जागे, मौन जागे, गायन जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। अंतिम पुकार है यह उस मालिक की, उस मुर्शिद की, उस साहिबा की, हम सबके प्रति। ध्यान जागे, मौन जागे, गायन जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे, तेरा ध्यान जागे, तेरा मौन जागे, तेरा गायन जागे। ध्यान जागे, मौन जागे, गायन जागे, जो जो ध्यान गहरा होगा तो मौन होता जाएगा, अननेसेसरी नहीं बोलेगा, व्यर्थ की बात नहीं करेगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। जो जो ध्यान बढ़ेगा मौन होते जाओगे, जितना बोलने की जरूरत है उतना ही बोलोगे, और जितना जितना तुम मौन होते जाओगे म्यूजिक उतरता चला आएगा। अनहद नाद, अनाहत नाद की धुन बजने लगेगी अंग अंग में, अंग प्रत्यंग में, भीतर शाश्वत संगीत की धारा बहने लगी, रोम रोम म्यूजिकल होता जाएगा, संगीतमय होता जाएगा, और तेरे हृदय द्वार से वो शब्द निकलेंगे जो बाहर लिखे जाएंगे तो वेद शास्त्र उपनिष्ठ हो जाएंगे, गीतामय हो जाएंगे। ध्यान जागे, मौन जागे, गायन जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे, तेरा ध्यान जागे, तेरा मौन जागे।
दिवस मीठे रात मीठी दिवस मीठे रात मीठी दिवस मीठे रात मीठी ध्यान की हर बात मीठी दिवस मीठे रात मीठी प्रेम की हर बात मीठी प्राण में मेरे प्राण में मेरे मधुर झंकार बाजे उधर आवाज जागे ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे मेडिटेशन जागे मेडिटेशन जागे जागो अनुरक्ति के पल जागो अभिव्यक्ति के पल एवर फ्रेश तरोताजा मेडिटेशन का आलम फुल ऑफ फ्रेशनेस ब्लॉसम फुली ब्लॉसम फ्रेशनेस एनर्जेटिक जॉयस गेफुल लाइफ लीड करना मेडिटेशन की धरा पर उतर करके जागो अनुरक्ति के पल जागो अभिव्यक्ति के पल वर्तमान जागो अनुरक्ति के पल जागो अभिव्यक्ति के पल जाग मेरी साधना जाग मेरी साधना वरदान जागे उधर वरदान जागे ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे तेरा ध्यान जागे मेडिटेशन जागे